अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ कच्ची कैरियों का मुरब्बा, जो कि बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़ायकेदार रहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत हेल्दी रहता है, छोटे बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो चलें देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने 1/2 kg कच्ची कैरी ली है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कच्ची कैरी है ये। मैंने इसको अच्छे से धो लिया था, अब मैं इसको पील ऑफ कर लूँगी। इसके अलावा इसके अंदर मैंने चीनी ली है 1/2 kg, लेमन जूस लिया है 1 tablespoon, बादाम ली है मैंने हसबे ज़रूरत, जो कि मैंने बीच में से इस तरीके से कट कर लिए हैं, 4 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 2 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं मैंने इसके अंदर, फूड कलर लिया है ये मैंने ऑरेंज लिया है, इसको हम 1 चुटकी लेंगे। इसके अलावा पानी हमने लिया है हसबे ज़रूरत। तो चले नाजरीन हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कैरियों को मैंने अच्छे से धो लिया था, अब मैं इसको पील ऑफ कर लूँगी एक नाइफ की मदद से। इस तरीके से इसका छिलका सारा उतार देंगे हम, इस तरीके से, बस इस तरीके से बारीक बारीक सारा छिलका हमने उतारना है इसका, सिंपली इस तरीके से मैं सारा छिलका निकाल दूँगी। कैरियों को मैंने पील ऑफ कर लिया था, अच्छे से मैंने सारा छिलका उतार दिया है। अब सिंपली मैं क्या करूँगी, इसको कट करूँगी, इसकी फांके जो हैं हम काटेंगे, पीसेस करेंगे इसके, ज़रा बड़े कट करेंगे। पहले सिंपली मैंने सेंटर में से इस तरीके से एक मार्क लगा दिया, ये देखें इस तरीके से, और फिर एक सेंटर में से इस तरीके से कट दिया। बस ये बड़े पीसेस होते हैं मुरब्बे के, याद रखिएगा हमेशा, बहुत छोटे पीसेस नहीं कटते हैं। ये देखिए इस तरीके से सिंपली मुझे इस तरीके से कट करना है, ये मैंने इस तरीके से, फिर इसी तरीके से यहाँ पे सेंटर में एक मार्क लगाऊंगी और एक इस तरीके से करूँगी, और ये थोड़ा सा हार्ड होता है इसको काटना, क्योंकि कच्ची कैरियाँ हैं, ये काटने में थोड़ा सा हार्ड रहता है, लेकिन इस तरीके से कट लगाया और ये सिंपली इस तरीके से कर, ये अलग हो गई, इससे भी कट लगाया, सिंपली इस तरीके से अलग कर, इस गुटली अलग कर देंगे हम। मैं इसी तरीके से सब कट कर लूँगी, सारी कैरियों को मैंने कट कर लिया है, देखिए इस तरीके के पीसेज में मैंने कट कर लिया है, गुटलियाँ मैंने बिल्कुल अलग कर ली हैं, ये देखिए इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में इसको कट करना है इस तरीके से। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले इसके अंदर मैं पानी डालूँगी तकरीबन 1/2 liter के करीब, पानी की कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है, बस इतना पानी रखना है हमें कि हमारी ये कैरियाँ जो इसमें गल जाएँ। 1/2 liter तकरीबन 2 cup के करीब हम डाल रहे हैं इसके अंदर पानी, बस ये हमने डाल दिया इसके अंदर पानी 1/2 liter के करीब। अब ये जो कैरियाँ हमने कट करके रखी थी ये हम इसके अंदर डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस हमें इनको अच्छे से गलाना है, पानी हमारा बच भी जाता है तो हम इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। फ्लेम मेरा मीडियम है, अब मैं इसको पकाऊँगी मीडियम फ्लेम के ऊपर जब तक हमारी कैरी गल नहीं जाती अच्छे से। इसको मैं इस तरीके से ढांप दूंगी। अब हम चेक कर लेते हैं, 20 मिनट्स हो गए हैं कैरियों को पकते हुए कि ये गल गई हैं अच्छे से, देख लेते हैं हम इसको। देखिए ये देखिए, इसको देख लेती हूँ, ये देखिए अलग टूट गई इतने आराम से, इसका मतलब है कि हमारी कैरी बहुत अच्छे से गल गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और इसका पानी ड्रेन कर दूंगी, मतलब अलग छान के रख लूंगी छलने की मदद से, और कैरियों को अलग कर दूंगी। चूल्हे पे मैंने देखची दोबारा रख दी है, फ्लेम मेरा इस वक्त बिल्कुल लो है। सबसे पहले इसके अंदर ये जो मैंने कैरियाँ आपको दिखाई थी ड्रेन करके रखा था इसका पानी, ये डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने डाल दी इसके अंदर, और साथ ही इसके अंदर मैं ये जो चीनी दिखाई थी आपको ये डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, बस ये चीनी जो है अपना पानी छोड़ेगी, इसके इतनी देर पकाना है कि ये अच्छे से इसके साथ यकजान हो जाए। साथ ही इसके अंदर हम लेमन जूस डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन जूस हम इसलिए डाल रहे हैं कि चीनी जो है हमारी, जब मुरब्बा तैयार हो जाएगा तो ये चीनी जो है क्रिस्टल्स की फॉर्म में जमे नहीं, एक ऐसा बन जाए जैसे कि यकजान सी बिल्कुल, और एक गाढ़ा सा एक वो आ जाए, क्लियर सी आ जाए चीनी की, क्रिस्टल्स ना बने, इसलिए हम इसके अंदर लेमन डालते हैं। ये चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व होने लगी है, अब आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट हो गए हैं तकरीबन, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने ये चीनी को डिज़ोल्व कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से चीनी
अच्छे से डिसॉल्व हो गई है, अब ये पकना शुरू हो गई है। इस पॉइंट के ऊपर फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है इस वक्त। अगर मैं मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम करती तो चीनी हमारी नीचे से लगने लगती है, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमें चीनी को डिसॉल्व करना है। अब इस पॉइंट पे हम चाहें तो फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अपने थोड़ा सा बढ़ा लें। बस इसको 2 से 3 मिनट मैं और पकाऊंगी ताकि इसके अंदर थोड़ा गाढ़ापन आ जाए। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, चीनी हमारी अच्छे से पकना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर आपको जो दिखाए थे ये बादाम, दालचीनी और छोटी इलायची एक साथ डाल दूंगी। इसका बहुत अच्छा वो आता है फ्लेवर, दालचीनी की बहुत अच्छी खुशबू आती है, बादामों का एक अलग टेस्ट आता है। अब साथ ही इसके अंदर फूड कलर डाल दूंगी जो मैंने आपको बताया था 1 पिंच। बस ये थोड़ा सा मैंने डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो मत डालिए, लेकिन इससे एक बहुत अच्छा लुक आता है। थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला है, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर हो गया है। बस इतनी देर में इसको और पकाऊंगी कि ये चीनी जो है इसके अंदर एक गाढ़ापन आ जाए, एक लेस आ जाए। बस इतनी देर और पकाना है। 20 मिनट्स हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ये देखिए चीनी किस तरीके से पक गई है, बिल्कुल थिक हो गई है, ये लेस सा बन गया है, हमें यही लेस चाहिए। ये देखिए अब हम चेक कर लेते हैं, अगर इसके अंदर एक तार बन गया है तो इसका मतलब है कि ये हमारा बिल्कुल रेडी है मुरब्बा। थोड़ा सा मैं इसको ठंडा करूँगी। ये देखिए ये इस तरीके से अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब है हमारा ये एक तार बन गया है, मुरब्बा हमारा माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। बस ये इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ठंडा करके इसको डिश आउट कर दूँगी। मुरब्बा हमारा ठंडा हो गया है, मैंने एक शीशे का जार ले लिया है, मैं इस जार में इसको प्रिजर्व करूंगी। आपके पास कोई भी शीशी हो, प्लास्टिक की शीशी हो या कोई भी कांच की शीशी हो, आप उसमें डाल के एयरटाइट जार में इसको रख सकते हैं। बस सिंपली मैंने इसको इसमें डालना है, ये देखिए इस तरीके से। आपका जब दिल चाहे इसमें से निकालें, खाएं, इसको पराठे के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, बहुत मज़े का लगता है। ये बस मैं इसके अंदर फिल कर लूँगी, बॉटल मैंने देखें फिल कर ली है, देखें इसमें फिल कर ली है अच्छे से। अब एक छोटा बोल ले लिया है मैंने, सर्विंग बोल, इसमें निकाल लेंगे हम। ये देखिए इसमें रहें इस तरीके से। इसको आप घर में ज़रूर बनाइए, खिलाइए बच्चों को, ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत ताकतवर रहता है। सिंपली इसको निकाल लेंगे हम एक बोल के अंदर। शुरू में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पानी मैंने ड्रेन किया था कैरी का, मैंने कहा था इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी हम एक अच्छी सी रिफ्रेशिंग किस्म की ड्रिंक बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें डाला है ग्लास में, सिंपली कुछ भी नहीं करना है। और इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डालेंगे हम 2 टीस्पून के करीब, सिंपली इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने इसको, और इसके अंदर हमने आइस क्यूब्स डाल दिए। तो ज़बरदस्ती हमारी ये एक ड्रिंक भी तैयार हो गई साथ ही साथ। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त एक ड्रिंक बन गई है, ये चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक भी हम डाल सकते हैं। कैरी का मुरब्बा बिल्कुल रेडी है, ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, ये बहुत जायकेदार बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही इसके साथ एक ड्रिंक भी बना लीजिए, ये भी बहुत रिफ़्रेशिंग रहती है, गर्मी में बहुत अच्छी लगती है। आप इस मुरब्बे को ज़रूर ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।